यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगती सरवरी खड्ड में मछली पकड़ने गया एक व्यक्ति खड्ड के बीचों बीच फंस गया और गनीमत यह रही कि अग्निशमन दल के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वरना खड्ड के तेज बहाव में व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। मिली जानकारी के अनुसार सरवरी में ही रहने वाला व्यक्ति दोपहर के समय खड्ड के किनारे मछली पकड़ने लगा। मछली पकड़ते समय वो खड्ड के बीचों बीच एक पत्थर पर चढ़ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज हो गया और वो पानी के बीच में ही फंस गया। स्थानीय लोगों ने जब व्यक्ति को खड्ड में फंसे हुए देखा तो भीड़ इकट्ठा होने लगी और वही व्यक्ति ने स्वयं ही अपने मोबाइल से अग्निशमन अधिकारियों को फोन कर अपनी मदद के लिए बुला लिया। जानकारी मिलते ही अधिकारी दुर्गा सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सीढ़ी और रस्सियों के सहारे उसे बाहर निकाला गया। गौर रहे कि कुल्लू घाटी में हो रही तेज बारिश के चलते नदी नालों का पानी उफान पर है और नदी किनारे जाना खतरनाक साबित हो सकता है और इसी की एक तस्वीर सामने आई है जहां पर एक युवक सरवरी नदी में मछली पकड़ने के लिए गया, लेकिन यहां पर पानी का बहाव एकदम से ज्यादा तेज हो गया और इस बीच युवक बीच बहाव में ही फंस गया। इसके बाद आपको बता दें कि युवक ने खुद ही अपने जेब में उपस्थित मोबाइल से अग्निशमन के लोगों को फोन किया और इसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू करके इस व्यक्ति को बाहर निकाला। तो नदियों के पानी में ज्यादा बहाव हो रहा है, लोगों को एहतियात बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी नदी नाली के पास ना जाए, क्योंकि इस वक्त नदी नाले हिमाचल में उफान पर है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और ऐसे में एक ये उदाहरण सामने आया है जहां पर एक व्यक्ति जब मछली पकड़ने के लिए गया नदी में तो यहां पर तेज बहाव के चलते वो बीच में ही फंस गया। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन ने रेस्क्यू करके इसे सुरक्षित बाहर जरूर निकाल लिया है। तो बारिश की वजह से इलाके में कहीं ना कहीं आफत आ गई है। तेज बहाव में एक युवक फंस गया है। आपको बता दें कि इस नदी में युवक मछली पकड़ने के लिए गया था, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि तेज बहाव के चलते युवक बीच में ही फंस गया और इसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू करके इस युवक को बाहर निकाला।